आज सुबह दिल्ली के डिप्टी सीएम के घर सीबीआई ने छापा मारा। इसकी जानकारी खुद मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके दी। माना जा रहा है कि सीबीआई की यह कार्रवाई दिल्ली सरकार की एक्साइज पॉलिसी को लेकर है। दरअसल पिछले दिनों दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। एलजी वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव की रिपोर्ट के बाद ये कदम उठाया था। इस रिपोर्ट में सिसोदिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं क्योंकि दिल्ली का एक्साइज विभाग मनीष सिसोदिया के अंडर है। मनीष सिसोदिया के कई ठिकानों पर तलाशी हो रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, दिल्ली के पूर्व आबकारी आयुक्त अरवा गोपी कृष्ण के यहाँ भी सीबीआई की टीम पहुंची है। कुछ बड़े शराब कारोबारियों के यहाँ भी जांच एजेंसी ने रेड डाला है। तलाशी के बाद सीबीआई प्राथमिकी दर्ज करेगी। करीब 2 दर्जन ठिकानों पर केंद्रीय जांच एजेंसी की ये छापेमारी कार्रवाई चल रही है। आनंद तिवारी और पंकज भटनागर के यहाँ भी सीबीआई की टीमें पहुंची हैं। आनंद तिवारी आईएएस है जबकि पंकज भटनागर दिल्ली के पूर्व सह आबकारी आयुक्त है। ये कार्रवाई सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं बल्कि पूरे देश में करीब 21 जगहों पर सीबीआई की छापेमारी चल रही है। दिल्ली के डिप्टी सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि सीबीआई आई है, उनका स्वागत है। हम कट्टर ईमानदार हैं, लाखों बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में जो अच्छा काम करता है उसे इस तरीके से परेशान किया जाता है। इसलिए हमारा देश अभी तक नंबर 1 नहीं बन पाया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया के समर्थन में ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, दिल्ली के शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल की पूरी दुनिया चर्चा कर रही है, इसे ये रोकना चाहते हैं। इसलिए दिल्ली के स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्रियों पर रेड और गिरफ्तारी चल रही है। 75 सालों में जिसने भी अच्छा काम करने की कोशिश की उसे रोका गया, इसलिए भारत पीछे रह गया। दिल्ली के अच्छे कामों को रोकने नहीं देंगे। जिस दिन अमेरिका के सबसे बड़े अखबार NYT के फ्रंट पेज पर दिल्ली शिक्षा मॉडल की तारीफ और मनीष सिसोदिया की तस्वीर छपी, उस दिन मनीष के घर केंद्र ने CBI भेजी। CBI का स्वागत है, पूरा सहयोग करेंगे। पहले भी कई जांच रेड हुई, कुछ नहीं निकला, अब भी कुछ नहीं निकलेगा। तो वहीं BJP की तरफ से अनुराग ठाकुर ने निशाना साधते हुए कहा कि शराब के ठेके में दिल्ली में भ्रष्टाचार हुआ है। ये मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल की साठगांठ है। शराब के ठेके का करप्शन देश के सामने आया है। जानकारी दे दे कि कुछ महीने पहले दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार राज्य के लिए नई आबकारी नीति लेकर आई थी, लेकिन भाजपा और कांग्रेस के विरोध के चलते उसे ये नई आबकारी नीति वापस लेनी पड़ी थी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की देखरेख में ही ये आबकारी नीति फाइनल की गई थी, जिसके बाद करीब 1 महीने पहले दिल्ली के उपराज्यपाल ने मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। आरोप है कि कुछ बड़े शराब कारोबारियों से पैसे के बदले उन्हें फायदा पहुंचाने के लिए नई आबकारी नीति लाई गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ भारत।